अब कुछ बात हो जाए सोशल मीडिया के हवाले से, जो हमारी जिंदगियों में एक ऐसी हकीकत बन चुका है जिससे आंखें नहीं चुराई जा सकती हैं। और हम में से बेशतर अफराद मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल भी करते हैं। और इंटरनेट पर सार्फिन का डाटा इकट्ठा करने वाली कंपनी की जानिब से 34 ममालिक में किए जाने वाले एक सर्वे के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले जो अफराद हैं, रोज़ाना तकरीबन 6 घंटे तक वो इंटरनेट यूज़ करते हैं या ऑनलाइन रहते हैं। और सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल हमारी जहनी और दिमागी सेहत पर मनफी असरात भी मुरतब करता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इसी सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल भी किया जा सकता है और घर बैठे हम लोग लाखों रुपए भी महाना कमा सकते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लाखों अफराद, मैं तो कहूँगी जनाब, के YouTube वीडियोस की मदद से लाखों रुपए बल्कि करोड़ों रुपए भी इस वक्त कमा रहे हैं। और कुछ अर्सा पहले Facebook की जानिब से मोनेटाइजेशन का फीचर जो है वो एड ऑन किया गया था Facebook पे, जिसकी मदद से अब फैशन बुक भी पैसे कमाए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ दुनिया भर में शॉर्ट वीडियोज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस समझी जाने वाली जो एप्लीकेशन है TikTok, उसकी जानिब से भी अब ये TikTok प्लस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। तो जनाब, ये मोनेटाइजेशन एक्चुअली है क्या? इसके थ्रू किस तरह हम घर पर बैठ के पैसे कमा सकते हैं? एप्लीकेशन के थ्रू किस तरह हम लोग पैसे कमा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त वहाब यूनुस मौजूद है, IT एक्सपर्ट है। वहाब, आपको खुश आमदी के लाहौर में कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। वहाब, जैसे मैं बात कर रही थी कि पहले यूट्यूब ने, फेसबुक ने, अब TikTok ने भी मोनेटाइजेशन का फीचर जो है वो एड ऑन कर लिया है। सबसे पहले तुम बताइए मोनेटाइजेशन है क्या, इससे क्या फ़ायदा होता है? जी, फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और ये बहुत ज़रूरी था ये प्रोग्राम इसके ऊपर होना, क्योंकि जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि इसके ऊपर अवेयरनेस नहीं है इतना ज़्यादा। पहले तो मैं कुछ स्टैट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि पता चले कि इस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। जी, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 18 करोड़ के करीब मोबाइल सार्फिन मौजूद हैं। अच्छा। जिसमें से 9 करोड़ के करीब जो हैं वो ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया साइट्स पर मौजूद हैं। ओके। जो कि TikTok, Facebook, YouTube यूज करते हैं। अब देखिए कि 9 करोड़ के जो सार्फिन हैं उसमें से शायद ही 10% लोगों को पता होगा कि इस ऐप के थ्रू आप पैसा भी कमा सकते हैं। ये अवेयरनेस जो है ना, ये पैदा होना बहुत ज़रूरी है और मैं खुद पर्सनली ये चाहता हूँ कि ये अवेयरनेस हर घर तक पहुँचे ताकि लोग जो 6 घंटे पर डे एवरेज, ये मिनिमम है, 6 घंटे पर डे जो यूज़ कर रहे हैं, 6 से 8 घंटे तकरीबन यूज़ कर रहे हैं, वो इसको कन्वर्ट कर सके पैसों में। इसी वजह से सबसे पहले ये मॉडल जिसने लॉन्च किया था वो यूट्यूब का मोनेटाइजेशन का। मोनेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप ऑनलाइन पैसे कमाएं। सही। इसी सिलसिले में अब ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो न्यूज़ है वो ये है कि फेसबुक ने भी मोनेटाइजेशन ऑन कर दी है और TikTok ने भी अपना बीटा वर्जन मोनेटाइजेशन का ऑन कर दिया, जिससे आप TikTok को यूज़ करके, फेसबुक को यूज़ करके आप लोग घर बैठ के लाखों रुपया कमा सकते हैं। किस तरह, मतलब ये मोनेटाइजेशन के थ्रू किस तरह कर सकते हैं? अच्छा, इसका जो फेसबुक का हम स्टार्ट करते हैं, फेसबुक का एल्गोरिदम जो नई पॉलिसीज आई है मोनेटाइजेशन की पाकिस्तान के अंदर, उसके मुताबिक आपने सिंपल, इतने सिंपल स्टेप्स हैं जो हम अपने ऑडियंस को मैं बताने जा रहा हूँ, अपने यंगस्टर्स को, कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक पेज बनाना है, बिजनेस पेज। अच्छा, ठीक है, प्रोफाइल नहीं, बिजनेस पेज। सही। इस बिजनेस पेज के ऊपर ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फेसबुक इसका आपको कोई चार्ज नहीं करता। ठीक है। आपने फेसबुक पेज क्रिएट करके इसके ऊपर तकरीबन आपने 10,000 फॉलोअर और 600,000 वॉच टाइम, मिनट्स जिसे कहते हैं, कि टोटल 5 वीडियोज आपने अपलोड करके उसके ऊपर कलेक्टिवली 6 लाख व्यूज लेकर आने। ओके। मिनट्स व्यूज लेकर आने। ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा। अगर आप 5 वीडियोस के ऊपर अच्छा कंटेंट जनरेट कर दें तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है टास्क जो मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट आपने ये 3 से 4 स्टेप करने हैं तो आप मोनेटाइजेशन जो फेसबुक का क्रिएटर स्टूडियो एक ऑप्शन है वहाँ से जाके अप्लाई करते हैं तो फेसबुक आपके अकाउंट के ऊपर मोनेटाइजेशन इनेबल कर देता है और जैसे ही आपको अलाउ कर देता है तो आपको पैसा मिलना शुरू होता है। और ये जो फेसबुक की मोनेटाइजेशन है ये यूट्यूब की मोनेटाइजेशन से बहुत ज़्यादा अच्छी है इस हवाले से, क्योंकि ये आपको ज़्यादा पैसे देती है। अच्छा। और यूट्यूब के ऊपर तो आप शेयर नहीं कर सकते ना वीडियोस, फेसबुक के ऊपर तो रीशेयरिंग की ऑप्शन भी मौजूद है। तो बहुत जल्दी, यानी कि एक वीडियो के ऊपर आप मिलियन में व्यूज आप देखते हैं, एक छोटी सी वीडियो होती है 3 से 4 मिनट, उसमें 4 मिलियन व्यूज, 5 मिलियन व्यूज, तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा है, यूनिक है, तो मुझे नहीं लगता कि फेसबुक से जो आप पैसा नहीं कमा सकते।
लेकिन अभी पहले हम देख रहे थे कि अब ये टिकटॉक ने भी ये दोबारा ये प्लस टिकटॉक प्लस लेकर आ गए ये प्रोग्राम, पहले ये नहीं था, लोग टिकटॉक से पैसे नहीं कमा रहे थे, वो इश्तेहार एड करके वो तब कमा रहे थे, तो अब वो किस तरह इसके थ्रू कमा सकते हैं? ये टिकटॉक ने एक बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी अभी अपनी जो अपग्रेड की है, लेकिन ये अभी टिकटॉक ने बीटा वर्जन अपना लॉन्च किया है, जिसके अंदर अभी कुछ लोगों को इस चीज़ का पता है कि टिकटॉक से पैसे कमा सकते हैं मोनेटाइजेशन से, लेकिन इसमें अभी इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा। क्योंकि इसने एक ट्रायल पीरियड के तौर पर टिकटॉक को लॉन्च किया है, जिसके अंदर वो 12 कैटेगरीज हैं जिसके अंदर अभी ये मोनेटाइजेशन लेकर आ रहा है। उन 12 कैटेगरीज में ऐसा नहीं होगा कि आप कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपको पैसा मिलना शुरू हो गया, अभी ऐसा नहीं है। अच्छा। अभी उसने क्या किया है कि उसके एल्गोरिदम ने, कि फॉर एग्जांपल उसने 12 कैटेगरीज में फैशन की कैटेगरी है, एंटरटेनमेंट की है, कुकिंग की है, इसके अलावा मेकअप की है, फैशन यानी कि मेकअप आ गया, इस तरह की कैटेगरीज 12 कैटेगरीज है जो उनकी वेबसाइट पर मौजूद है। उसमें से आप किसी भी एक कैटेगरी को चूज करेंगे और उस कैटेगरी के ऊपर उसके मुताबिक कंटेंट जनरेट करेंगे, जैसे कुकिंग है तो आपने कुकिंग का ही कंटेंट जनरेट करना है। अगर आप कोई और वीडियो डालेंगे कंटेंट तो टिकटॉक उसको बैन कर देगा। तो उसकी कुछ पॉलिसीज है जिसको आपने फॉलो करना है और फिर उसके मुताबिक वो फिर अपने एडवर्टाइजर जिससे उसने पैसा लेना उससे लेकर आपके चैनल के ऊपर उसके वीडियो को चलाएगा और उसका 50% आपको देगा और 50% खुद रखेगा। अच्छा। तो इस तरीके से उसने अपने टिकटॉक मोनेटाइजेशन बीटा वर्जन लॉन्च किया है और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि यंगस्टर्स पे भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते थे और इस वक्त टिकटॉक जो है पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप है और 1 बिलियन से ज़्यादा उसके एक्टिव यूज़र हैं, एक्टिव यूज़र प्लस उससे प्लस ही है लेकिन एक्टिव यूज़र 1 बिलियन है पूरी दुनिया से, तो 150 कंट्रीज़ के अंदर वो पाया जाता है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तानी आवाम जो है वो टिकटॉक और आप फेसबुक से भी पैसे कमा सकेंगे और घर बैठ के अपने कंटेंट को अच्छे तरीके से जनरेट करके घर बैठ के पैसे कमाएं। लेकिन क्या इस पे भी है कि कितने आपके लाइक्स आने चाहिए, कितने आपके फॉलोअर्स होने चाहिए टिकटॉक पे भी, तभी आपको पैसे मिलेंगे? जी तकरीबन इसमें आपकी जो मोनेटाइजेशन चैनल की स्टार्ट होगी वो 1 लाख सब्सक्राइबर से या 1 लाख जो आपके फॉलोअर्स है वहाँ से आपकी स्टार्ट होगी। उससे पहले आप कॉन्टेंट जनरेट करें, जैसे ही 1 लाख का आपका हिस्सा अब जाएगा ऑटोमेटिकली वो उसको मोनेटाइज कर देगा। तो अभी जिन लोगों के ऑलरेडी टिकटॉक अकाउंट बने हुए हैं क्या वो इसी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं या उन्हें दोबारा से अकाउंट बनाना पड़ेगा मोनेटाइजेशन के लिए? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, वो भी से अप्लाई कर सकते हैं। बस आपने 1 लाख अपने फॉलोअर्स क्रिएट करने हैं और कॉन्टेंट जो है अब से आपने उस कैटेगरी में अपना उसको रजिस्टर करवाना है और ऑटोमेटिकली आपके जो है वो टिकटॉक उसको कर देगा, इनेबल कर देगा। लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि अभी वो हर कैटेगरी को नहीं दे रहा, सिर्फ 12 कैटेगरीज हैं जिसके अंदर वो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको बताई उसमें इनेबल कर रहा है, लेकिन 6 मंथ से 1 ईयर के अंदर वो ऑब्वियसली अपने प्रोसीजर को दोबारा चेंज करेगा और सबको वो अलाउ कर देगा, वो फिर फायदा होना शुरू रहेगा सबको। लेकिन वहाँ यहाँ पे ना बहुत से लोग कहते हैं कि हम बड़ा अच्छा कंटेंट, हमारी नज़रों से भी बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट दिख रहा है लेकिन उनकी वीडियोस वायरल नहीं होती हैं और लोग शिकवा भी करते हैं कि जो अच्छा कंटेंट होता है उसको लोग देखते नहीं है, वायरल नहीं होता है, तो क्या कहेंगे आप कि अगर हमने अपनी वीडियो वायरल करनी है तो किस तरह क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच हम लोग कर सकें? देखिए मैं इस चीज़ इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करता हूँ 100% के लोग कहते हैं कि जी उनका कंटेंट अच्छा होता है वायरल नहीं होता। देखिए वायरल करने के लिए ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं यूट्यूब की, हम यूट्यूब की बात कर लेते हैं, अच्छा कंटेंट और जेन्युइन कंटेंट जो है ना गूगल वैसे भी उसको बहुत पसंद करता है। एक टर्मिनोलॉजी होती है SEO, जैसे गूगल में वेबसाइट्स की SEO होती है इसी तरह यूट्यूब में उस वीडियो की भी SEO होती है। एक्चुअली में लोगों को एक चीज़ का पता है लेकिन दूसरी साइड का नहीं पता। जैसे कि अच्छा कंटेंट आपने जनरेट कर लिया गूगल इसको 10/10 मार्क्स देगा। जैसे ही आपने इसको अपलोड किया तो उसकी एक टर्म होती है कि आपने अब इस वीडियो की भी SEO कर दी, जिसके अंदर SEO से क्या मुराद होता है कि उसके कीवर्ड्स आपने डालने हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन डालनी है, थंबनेल के 10 मार्क्स होते हैं, थंबनेल बड़ा आई कैची होना चाहिए, इसके बाद आपने उसकी जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स डालने हैं वो कैसे डालने हैं, कॉपीराइट्स का कैसे ख्याल रखना है, क्योंकि हम बेसिकली PMA ट्रेनिंग एक अदारा चलाते हैं, उसके अंदर हम ये जब कोर्सेज करवाते हैं तो उस कोर्स के अंदर हम अपने बच्चे को स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि आपने कंटेंट तो जनरेट कर लिया, अब आपने इसकी SEO कैसे करनी, क्योंकि मेन चीज़ SEO होती है। जब ये 4 से 5 फैक्टर आप डालते हैं तो फिर आपकी वीडियो जो है ऑटोमेटिकली गूगल के एल्गोरिदम में रैंक में आना शुरू हो जाती है और फिर आप उसकी जब रीशेयरिंग करते हैं तो उस सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू
व्हाट्सएप के थ्रू। अब व्हाट्सएप के ऊपर भी तो 500 मैसेजेस डेली कर रहे हैं ना ग्रुप्स के अंदर, आप वही लिंक उठा के अपने ग्रुप में रीशेयर करना शुरू कर दे तो वो ऑटोमेटिकली वायरल हो जाती है। तो वायरल करने के लिए ये 5-6 स्टेप्स आप करें, ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो, और अगर कॉन्टेंट अच्छा है, मैं ये मान ही नहीं सकता कि वो ऊपर ना जाए। लेकिन आपको क्या लगता है अब के दौर में किस तरह का कंटेंट चाहिए हमें जो वायरल होना चाहिए या बनना चाहिए? सबसे अच्छा जो कंटेंट जो लोग देखते हैं आजकल वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट। ओके, जैसे कि आप इसको किसी भी कैटेगरी में ले लें, आप इसको इन्फॉर्मेशन में ले लें, आईटी में ले लें, जैसे कि मुझे भी ज़रूरत है कि मैंने एक नई चीज़ सीखनी है या मैं कहीं पर स्टक हुआ हूँ, तो सबसे पहले गूगल पे जाकर आप उसके बारे में कीवर्ड डालते हैं। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुकिंग सीखनी है या किसी खास रेसिपी को सीखना है तो वो उस रेसिपी को टाइप करेगा, किसी ने मेकअप सीखना है तो वो उस खास मेकअप के स्टाइल को कॉपी करेगा। तो इसी स्टेटमेंट को लेते हुए आप सब कैटेगरीज पे अगर आप इसको अप्लाई कर दें तो ये इस क्वेश्चन का एक सिंपल आंसर है कि कॉन्टेंट वो बिकेगा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, जिसमें इंफॉर्मेशन होगी और जिससे लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट पहुंच रहा होगा। तो मेरे ख्याल से जो ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं वो इस वजह से उनके चैनल्स नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन डाल रहे होते हैं जिसमें सोल्यूशन नहीं होते। आप जब सोल्यूशन देना शुरू कर देगा तो लोग उसको मल्टीप्लाई बाई 10 शेयर करना शुरू कर देंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ जाए, हाँ ठीक है एंटरटेनमेंट बिकती है, वो सब कुछ बिकता है, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग सही कॉन्टेंट की तरफ आए, एंटरटेनमेंट से निकल के लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट की तरफ आए, जिससे लोगों को भी फायदा होगा और उनको भी पैसे बने। बिल्कुल ऐसे ही है, आप अच्छा कंटेंट जनरेट करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको लाइक्स भी मिलेंगे और आपके व्यूज भी मिलेंगे और फिर आप अच्छे खासे पैसे भी इन एप्लीकेशन से उन चीज़ों से कमा सकते हैं। वहाँ यूनिस आईटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, वहाँ बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं। और ये नई जो फीचर टिकटॉक ने भी अब शुरू कर लिया है मोनेटाइजेशन का, जिससे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अभी ये लिमिट है, ये बहुत से सब लोग नहीं इसको अचीव कर सकते हैं, कैटेगरी इसकी बनाई गई है और देखते हैं कि फिर